हेलो एवरी वन वेलकम टू एजुकेशन फॉर एक्सलेंस एम रमेश निषाद एंड टूडी वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ इंग्लिसो बुक द रेड ट्रैप एंड वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द सो लेट्स स्टार्ट द रेड ट्रैप यानी चूहे दानी ये लिखा गया है लेजर लिज के द्वारा और आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरह से इस लेसन में ये जो पूरी दुनिया है इस दुनिया को एक रैट ट्रैप की भांति दिखाया गया है रैट ट्रैप जिसमें कोई सामान रखी जाती है कोई चीज़ रखी जाती है और उस सामान या उस चीज़ को देख करके जो कोई भी रैट है कोई चूहा है वो अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो उस रैट ट्रैप में कैद हो जाता है वैसे इस दुनिया को एक रेड ट्रैप की भांति बताया गया है कि इस दुनिया में ढेर सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लुभाती है लोगों को अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्शन में आकर के लुभानी चीज़ों को पा करके धन की लालच में आकर के कोई व्यक्ति जब कोई अनुचित कार्य करता है तो वो इस दुनिया रूपी रैड ट्रैप में बुरी तरीके से फंस जाता है उस चूहे की भांति सो आज के स्शन में हम जानेंगे इसी के बारे में सो इस लिस्ट में जो मेन जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है पेडलर है यानी जो चूहे दाने वाला एक व्यक्ति है जो अंत में कैप्टन वोन स्टेहल का सिग्नेचर करता है यानी वो लास्ट में सुधर जाता है एक होता है क्राफ्टवर यानी ओल्ड व्यक्ति होता है आयरन मास्टर होता है यानी राम जो आयरन मिल का मालिक होता है ऑनर होता है उसकी एक वाइफ होती है एलिजाबेथ एंड इनकी डेथ हो गई होती है उनकी एक बेटी रहती है आयरन मास्टर की बेटी रहती है जिसका नाम है वायल वेडला वायल्ड मैंशन ये डॉटर है एंड इनकी एक मित्र है जिनका नाम है नील्स ओलुफ एंड ये है कैप्टन वॉन स्टेहल यानी आयरन मास्टर की रेजिमेंटल फ्रेंड है यानी साथ में ये सैनिक थे जवान थे और उसके बाद कि ये है ये जो है कैरेक्टर है और एक है ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो राम जो मिल में काम करते हैं सो so, इतने जो है मेन कैरेक्टर्स है अब जो स्टोरी सम, स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो होती है इस पैडलर से यानी चूहे दाने वाले व्यक्ति से ये काफ़ी गरीब होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए रहते हैं इनके जो जूते होते हैं वो भी काफ़ी फटे हुए रहते हैं एंड ये सिर्फ एक कैप लगाए हुए रहते हैं एंड इनके इनका जो गुजर बसर होता है वो कैसे होता है ये रेड ट्रैप बनाता है चूहे दानी बनाता है और चूहे दानी बना करके बेचता है तो बेचने से जो पैसे आते हैं उन्हें पैसों से ये जो है अपना भरण पोषण करता है पर फिर भी इनका भरण पोषण अच्छे से नहीं होता है काफ़ी भूखा रहता है सो ये जो है रेड ट्रैप बनाने के लिए छोटी मोटी चोरी करता है बड़ी बड़ी दुकानों से डिमांड करता है मांग करता है इट मीनस ये भीख मांगता है और कैसे भी करके ये जो है रेड ट्रैप से अपना गुजर बसर करता है एक दिन ये ऐसे जा रहा होता है तो इनके दिमाग में एक ख्याल आता है इस इनके दिमाग में क्या ख़्याल आता है ये सोचने लग जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की भाती है जैसे रेड ट्रैप में क्या होता है कि रेड ट्रैप में कोई चीज़ें रखी रहती है और इस चीज़ों से आकर्षित तो होकर के कोई चूहा प्रवेश करता है उसके बाद ये जो जो गेट है ये बंद हो जाता है और जो चूहा होता है वो रेड ट्रैप में फंस जाता है वैसे ही ये कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की भाती है और इस दुनिया में जो भी चीजें हैं घर है गांव है, है सिटी है जमीन है जो भी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों के लालच में आकर के कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है कोई अनुचित कार्य करता है तो वो इस दुनिया रूपी रैड ट्रैप में बुरी तरीके से फंस जाता है जैसे चूहा फंस जाता है सो इस तरह से ये सोच रहा होता है ये दुनिया के लोगों के बारे में तरह तरह की चीज़ें सोचता रहता है इस तरह की चीज़ें सोचता रहता है ये ऐसा क्यों सोचता है क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो इनके साथ अच्छा बर्ताव कभी नहीं करते हैं वो हमेशा इनको अपमानित करते रहते हैं सो इसीलिए दुनिया के लोगों के बारे में इस तरह की बातें सोचता है और ये सोच करके ये अपना मन बहलाने का काम करता है एक बार क्या होता है कि रास्ते पे जा रहा होता है काफ़ी लंबा वक्त हो चुका होता है शाम होने को रहता है अब ये सोचता है कि मुझे कोई सहारा मिल जाए यानी रात बिताने के लिए कुछ ठिकाना मिल जाए सो इसको भूरे कलर की एक झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी को एक खटखटाता है तब एक बूढ़ा व्यक्ति जो क्राफ्टर है वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद वो कहता है कि वैसे भी ये शरण के लिए इनसे पूछते हैं फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहते हैं कि वैसे भी मेरी वाइफ नहीं है मेरे बच्चे नहीं हैं मैं अकेला बूढ़ा व्यक्ति आ जाओ ऐसा करके ये जो है शरण दे, दे देते हैं अब जब ये शरण दे देते दे दे हैं उसके बाद इनको डिनर खिलाते हैं साथ में बिठाते हैं साथ में खिलाते हैं साथ में गैमलिंग भी करते हैं अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने बारे में सारी चीज़ें बताते हैं कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति थे ये क्या थे पहले ये भी आयरन मिल में काम करते थे राम से जो कि आयरन मिल में काम करते थे चूंकि ये बूढ़ा हो गए हैं तो ये बूढ़े हो गए हैं तो इसकी वजह से ये जो है काऊ रखी रखे हुए हैं गाय रखे हुए हैं और उनसे जो दूध मिलता है उस दूध से वो जो है फैक्ट्री को बेच देते हैं जहां पे मक्खन बनाए जाते हैं एंड इस तरह से इनको जो है जो भी पैसे मिलते हैं गाय के दूध से मिलते हैं पिछले महीने इन्हें थर्टी क्रोनोर जैसे मनी हो, मनी है जैसे इंडिया में मनी रुपया पैसा है वैसे यहाँ पे क्रोनोर की बात हो रही है अब जो बूढ़ा व्यक्ति है ये जो है थर्टी क्रोनोर इनको मिले हुए रहते हैं तो ये जो है थर्टी क्रोनोर के जो नोट है तीन नोट रखे होते हैं दस दस क्रोनोर के वो खिड़की के फ्रेम में लटकी हुई एक पॉकेट में रखी हुई रहती है वो जो पॉकेट रहती है वो चमड़े की बनी होती है उस चमड़े के पॉकेट से ये जो है थर्टिक्लोनर को निकाल करके दिखाते हैं कि ताकि इनको अच्छे से विश्वास हो जाए अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ये अपनी सारी चीज़ें बताते हैं अच्छे से बर्ताव करते हैं उसके बाद फिर दोनों सो जाते हैं सोने के बाद होता क्या है कि ये जो है जब दोनों अपने टाइम पे उठ जाते हैं सुबह उठते ही जो बूढ़ा व्यक्ति है ये अपने काम पे चले जाते हैं और ये जो पैडलर है ये अपने रास्ते चले जाते हैं उसके बाद कुछ समय बाद ये जो पैडलर है वो वापस फिर से आ जाते हैं और आने के बाद ये थर्टी क्रोनोर की चोरी कर लेते हैं उस खिड़की के पास से क्योंकि उनको पता होता है कि जो थर्टी क्रोनोर है वो कहाँ पे रखे हैं तो ये खिड़की के पास से होकर के चोरी कर लेते हैं उसके बाद ये अपने रास्ते चले जाते हैं अब ये रास्ते पे चल रहे होते हैं इनको लगता है कि यदि मैं पब्लिक के रास्ते पर जाऊँगा तो मैं आसानी से पकड़ा जाऊँगा तो ये क्या करता है ये जंगल के रास्ते चलते बनता है अब जब ये जंगल के रास्ते चलता बनता है अब ये जो है घनघूर जंगल में चला जाता है रास्ते भटक रास्ते में भटक जाता है एंड देन इसको लगने लग जाता है कि मैं कहाँ फंस गया अब क्योंकि ये वही वही जगह पे घूम रहा होता है इसको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे होते हैं ये काफ़ी परेशान हो जाता है काफ़ी वक्त हो चुका रहता है काफ़ी टायर्ड हो चुका रहता है अब इसको लगने लग जाता है कि मैं कुछ ही समय पहले मैं सोच रहा था कि ये जो पूरी दुनिया है राइड ट्रैप की भांति है और कोई व्यक्ति जैसे लालच करता है लालच करके अगर कोई अनुचित कार्य करता है तो वो इस रेड ट्रैप में फंस जाता है वैसे सेम कंडीशन इसके साथ हो गई थी यानी सेम स्थिति इनके साथ बनी हुई थी ये काफ़ी पछताता है कि मैंने चोरी क्योंकि कि मैं भी उसी रेड ट्रैप में फंस गया हूँ अब मैं शायद इस रेड ट्रैप से निकल नहीं पाऊंगा ये काफ़ी परेशान हो गया रहता है तभी इसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है लोहे की आवाज़ सुनाई पड़ती है और कैसे भी करके हिम्मत करके वो वहाँ पे चला जाता है वहाँ पे रामस में एक भट्टी रहती है आयरन मिल रहती है जहाँ पे लोहे को लोहे को पिघलाया जाता है एंड ये जो भट्टी के पास जाता है ब्लैक स्मिथ यानी जो लो, लोहार है उनसे पूछते हैं और उसके बाद ये वहीं पे खड़े रहते हैं अब जो भट्टी के सामने जब ये रहते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ठंड का मौसम था इट मीन्स दिसंबर का महीना था अगले दिन जो क्रिसमस का त्यौहार है वो था तो ये जो है भट्टी के सामने खड़े हुए रहते हैं एंड उसके बाद कुछ ही समय बाद एक आयरन मास्टर आ जाते हैं जो वहाँ के मालिक है अब जो आयरन मास्टर आते हैं तो वो जो है इनकी टोपी निकाल देते हैं टोपी निकालने के बाद होता क्या है टोपी निकालने के बाद वो पाते हैं कि इनकी जो टोपी है वो जैसे निकालते हैं उनको ऐसा लगता है कि इनके वो पुराने रेजिमेंटल फ्रेंड है यानी कैप्टन वन स्टेल है और इस तरह से वो वो कहने लग जाते हैं कि ये तो मेरे पुराने मित्र हैं और इस तरह से वो बर्ताव करने लग जाते हैं कि तुम्हारे ऐसी दशा कैसे मित्र अब इनको भी लगने लग जाता है कि जो मालिक है ये मुझे अपना समझ रहे हैं मेरा मुझे अपना परिचित जान रहे हैं और इसीलिए ये भी अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं और ये भी बोलने लग जाते हैं कि शायद मैंने ज्वाइन जो जॉब है वो नहीं छोड़ी होती तो मेरी ये दशा नहीं होती और इस तरह से वो जो है कहने लग जाते हैं कि मेरे जो बेटे हैं वो बाहर है अब्रॉड है मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ उनकी डेथ हो गई है मेरी जो बड़ी बेटी है एडला है वो है साथ में तो चलो मेरे मित्र और वहाँ पे जा करके के हम हमारे घर चलते हैं और घर में जा कर के हम जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं तो ये साफ मना कर देता है क्योंकि ये सोचने लग जाता है कि यदि मैं वहाँ पे चला जाता हूँ तो ऐसी स्थिति में अगर मेरी सच्चाई पकड़ी गई तो गड़बड़ हो जाएगा तो इस तरह से मना कर देता है और चूँकि ये सोच रहा होता है शुरू में कि मुझे कुछ करोड़ोर मिल जाएंगे सो तो इसीलिए ये अपनी सच्चाई भी नहीं बताता है अब जो आरन मास्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं एंड देन अब ये जो है वहीं पे रहता है भट्टी में ही रहता है क्योंकि इनको रात ही बस बिताना होता है सो ये वो वहीं पे रहता है आधा घंटा के बाद उनकी जो बेटी आरन मास्टर की बेटी एडला है वो क्या वहाँ पर आ जाती है अब वो कैसे भी करके उनको मनाने लग जाती है अब उनकी बात को टाल नहीं पाता और अंत में इस पैडलर को वहां पे जाना हो जाना पड़ जाता है अब जब ये वहां पे जाते हैं उनके घर में जाते हैं उनके जो नौकर उनके बाल काटते हैं इनको जो नए कोट है कपड़े हैं नए जूते हैं ये सारी चीजें पहनाते हैं अब पहना के पहनाने के बाद जब ये वापस आते हैं तो जो आयरन मास्टर है वो पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा मित्र नहीं है इन्होंने मेरे साथ चीट किया है इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है तब ये कहता है कि मैंने कहा मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है मैंने कोई धोखा नहीं दिया है वो तो आप ही लोग मुझे अपना मित्र मान रहे थे आपने ही मुझे मित्र माना है आपने जबरदस्ती यहाँ लेकर के आए हो इस पर मेरी क्या गलती है so इस तरह से कहने लग जाते हैं उसके बाद फाइनली जो एडला है वो मध्यस्थता का काम करती है वो अपने पापा को समझाती है एंड इनको भी कहते हैं और वो कहने लग जाती है कि चलो खैर कोई बात नहीं हाला ये हालांकि ये कैप्टन वॉल स्टहल नहीं वॉन स्टेहल नहीं है बट ये पैडलर है लेकिन अभी जो है हमें क्रिसमस मनानी है क्रिसमस का त्योहार मनाना है एंड हमारे साथ और कोई भी तो नहीं है सो so, इनके साथ मना लेते हैं वैसे भी बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं कोई इनसे अच्छे से बात नहीं करते इनको ठीक से खाना भी नहीं खिलाते हैं तो ये रहेंगे तो कम से कम खाना तो खाएंगे, साथ में रहेंगे अच्छे से मना लेंगे सो so, ऐसे करके ये सारी चीज़ें होने लग जाती है फिर फाइनली वे सारे मान जाते हैं एंड देन नेक्स्ट डे सुबह क्रिसमस मनाया जाता है क्रिसमस मनाने के बाद फिर डिनर के लिए बुलाया जाता है डिनर करने के बाद जो सारे मेहमान थे वो आए हुए थे एंड देन वो जो एडला है वो कहने लग जाती है इनका काफ़ी सम्मान करती है इनका काफ़ी आदर सत्कार करती है जैसे एक कैप्टन वन स्टेहल थे सो so, वो कैप्टन वन स्टेहल की भाँति एडला ये जानते हुए भी कि एक पैडलर है और जब वो पहली बार इनसे मिली थी तो उनको पहले ही डाउट था कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी डरे हुए थे अब ये जो व्यक्ति डरे हुए थे तो उनको देख करके एडला को ये विश्वास हो गया था कि ये व्यक्ति या तो चोरी करके आया है या फिर जेल से भाग करके आया है अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी इनकी सारी चीज़ें जानने के बाद भी जो एडला है वो इनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है इनका काफ़ी आदर सत्कार करती है जैसे ये कैप्टन वॉन स्टेल हो तो ये बात इनके दिल पर लग जाती है एंड एडला जो है कहती है कि ये जो चीज़ें हैं ये जो कपड़े हैं नए कपड़े हैं शर्ट है ये जूते हैं इन सारी चीज़ों को आप वापस मत ना, अब ये, इनको आप ये मान के चल रहे कि छोटी सी भेंट है क्रिसमस के मौके पे और इस तरह से वो कहती है उसके बाद सभी जो है गुड नाइट करके सो जाते हैं एंड देन ये भी सो जाते हैं सुबह होते ही जो एडला है और एडला के जो पिताजी है यानी जो एरन मास्टर है वो चर्च चले जाते हैं अब जब वो चर्च चले जाते हैं तो वो इनको नहीं जगाते इनकी नींद को खराब नहीं करते हैं अब जब वो जा, वहाँ पर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके जो पुराने वर्कर है यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है क्राफ्टर है उनके यहाँ चोरी हुई हुई रहती है अब वो जो चोरी हुई रहती है वो पैडलर के द्वारा हुई रहती है यानी चोरे दाने वाले व्यक्ति के द्वारा यानी इनके द्वारा तब उनको काफ़ी बुरा लगता है कि उन्हें हमने इन्हें शरण दी है और इन्होंने ऐसा किया हुआ है तो so इस तरह से वो जल्दी से फटाफट आते हैं जब वो घर आते हैं तो उनके जो सर्वेंट हैं वो बताते हैं कि ये तो अब नहीं रहे ये तो चले गए हैं तब वो पूछते हैं कि कुछ सामान लेकर को के तो नहीं गए हैं यानी उनको लगता है कि कोई चोरी वोरी थोड़ी तो करके गए हैं तो इस तरह से वो कहने लग जाते हैं एंड देन वो जो नौकर है वो बताते हैं कि वो चोरी करके या कोई सामान लेकर के तो नहीं गए हैं बल्कि वो एक कुछ सामान छोड़ करके के गए हुए रहते हैं अब वो जो है एक पैकेट छोड़ करके गए हुए रहते हैं ये व्यक्ति यानी जो पैडलर है वो पैकेट छोड़ करके रखे रहते हैं और उस पैकेट को जब खोला जाता है तो उसमें एक छोटी सी राइट रैप रहती है एंड उसके साथ जो थर्टी करोड़ के जो तीन नोट थे मुड़े हुए नोट रहते थे नोट थे एंड उसके साथ एक पत्र भी था और वो जो पत्र था वो मिस एडलर के ना ए, मिस एडला के नाम पे था एंड जब एडला जो है वो पत्र पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये जो भेंट है यानी ये जो रैट ट्रैप है एक छोटी सी भेंट है क्रिसमस के मौके पर उस चूहे की तरफ से जो चूहा इस दुनिया रूपी रैड ट्रैप में फंसने वाला था जिनकी अपनी पदोन्नति की और आपकी पदोन्नति की वजह से वो इस रेड रै, ट्रैप में फंसने से बच गया सो इस तरह से वो काफ़ी धन्यवाद करता है एंड अंत में वो और लिखा हुआ रहता है कि ये जो थर्टी क्रोनर के जो नोट है ये जो नोट है ये उस बूढ़े व्यक्ति के हैं उस क्राफ्टर के हैं जिनके यहाँ है इन्होंने चोरी की थी वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से यानी इस पैडलर की वजह से उनको कोई तकलीफ हो उनके सम्मान को कोई हानि पहुँचे और इस तरह से जो पैडलर है वो लिखे हुए रहते हैं अब अंत में वो जो है एक सिग्नेचर किए हुए रहते हैं और जो सिग्नेचर होता है वो कैप्टन वॉन स्टेहल का होता है यानी जो पैडलर है वो काफ़ी धन्यवाद करता है और उनमें काफ़ी सुधार हो गया रहता है यानी इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक पैडलर एक चूहे दाने वाले व्यक्ति जो लालच में आकर के चोरी किया हुआ रहता है चोरी करता है एंड देन फाइनली जब उनको सम्मान मिलता है उस तरह का सम्मान मिलता है जैसे कैप्टन को मिलना चाहिए तो उसके अंदर की जो मानवता है वो जाग जाती है और वो व्यक्ति अपने आप में सुधार कर ही लेता है और कैसे भी करके वो अपनी गलती को मानता है एंड उस गलती को सुधार लेता है और वो इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंसने से बच जाता है और वो एक सच्चा इंसान बन जाता है सो so, इस तरह से आज की जो स्टोरी है वो समाप्त हुई आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई आ वीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू